नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पिछले 24 घंटों में देश दुनिया से तीन बुरी खबर सामने आई है। एक खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के देहांत की, तो दूसरी खबर है मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन की, और तीसरी बुरी खबर है भारत के उभरते क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की। बात करें पहली खबर श्रीमती हीराबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी उनके देहांत की, तो 1923 में जन्मी हीराबेन आज 100 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दो दिन पहले बुधवार को हीराबेन की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उनको अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, और आज सुबह उनके निधन की खबर आई। पूरा देश शोक के लहर में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जल्दी सुबह अपने घर गांधीनगर पहुंचे, वहां से माताजी हीराबेन के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, और मोक्षधाम में अपने भाई के साथ में उन्होंने माताजी की पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। देश के कई जाने माने लोगों ने दुख व्यक्त किया, ट्विटर के जरिए अपनी संवेदनाएं पेश की। देश की राष्ट्रपति, विभिन्न पार्टियों के नेता, इन्होंने सबने अपनी संवेदनाएं पेश की। श्रीमती हीराबेन के देहांत की खबर काफी दुखदायक खबर है, और हम भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बात करें मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन की, तो 82 साल के पेले जो कि ब्राजील के लिए खेला करते थे और ब्राजील के सुपरस्टार प्लेयर थे, फुटबॉल के जादूगर कहे जाते थे, एक नहीं दो नहीं तीन वर्ल्ड कप उन्होंने फुटबॉल को जितवाए थे, वो पहले भी इस दुनिया को छोड़कर कल 29 दिसंबर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। 82 वर्षीय पेले पिछले कुछ समय से मलाशय के कैंसर से ग्रस्त थे, और उसी मलाशय से कैंसर की जंग में वो अपनी जिंदगी हार गए। ट्विटर पर देश दुनिया के कई जाने माने लोग पेले की मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। तीसरी बुरी खबर जो सामने आई है ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की, तो ऋषभ पंत उभरते सितारे हैं, वर्तमान समय में क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम के एक मजबूत आधार स्तंभ है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो आज सुबह दिल्ली से रुड़की की तरफ अपनी मर्सिडीज कार में जा रहे थे, जब रुड़की में गुरुकुल क्षेत्र में उनकी कार डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई, पूरी कार आग में जलकर खाक हो गई। हालांकि ऋषभ पंत आग लगने से पहले गाड़ी से बाहर आने में सक्सेस हो गए थे, लेकिन तब भी ऋषभ पंत को काफी गहरी चोटें आई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत के पैरों में काफी गंभीर चोटें हैं, और जिनको सर्जरी करवाने ऑपरेशन कराने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि ऋषभ पंत खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो शायद उनको झपकी लगी होगी नींद की, इस हादसे का कारण झपकी हो सकता है, या दूसरा हादसे का कारण उत्तर भारत क्षेत्र में इस समय कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया हुआ है, उस वजह से विजन शायद नहीं मिला हो, तो भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। अभी फिलहाल ऋषभ पंत का दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी है, और उनके फैंस दुआएं मांग रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो, जल्द से जल्द उनकी तबीयत में सुधार हो, और फिर क्रिकेट के मैदान पर आए और देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हम भी दुआ करेंगे क्रिकेट स्टार की तबीयत में सुधार जल्द से जल्द हो, और भारत के ये नवोदित स्टार फिर से अपने ग्राउंड में अपने देश का नाम रोशन करने जरूर पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।